अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे चिकन पैटी बर्गर। उसके लिए हमें चाहिए चिकन, ये मैंने हाफ के जी ले लिया चिकन का कीमा, मस्टर्ड पेस्ट ये 1 टीस्पून है, सॉल्ट 1 टेबलस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, चीज़ है ये मैंने चीज़ स्लाइस ली है, कैबिज है, बंद गोभी, ये टमाटर ये स्लाइस में कर लिया है, सोया सॉस है 1 टेबलस्पून, मायोनीज, केचप, ऑयल ये पैटी फ्राई करने के लिए, एग है 1 एग लेके मैंने बीट कर लिया है, मैदा है, मैदा ये मैंने हाफ कप ले लिया है, ये ब्रेड क्रम है ये मैंने 1 कप ले लिया है, ये मेरे बर्गर के बंस हैं। अच्छा व्यूवर्स, अब हम करेंगे ये चिकन पैटी तैयार करेंगे। ये चिकन के कीमे के अंदर ये मैंने हाफ आधा किलो है, इसके अंदर हम ये सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल देंगे। अच्छा मैं ज़्यादा वो स्पाइसी नहीं कर दी, अगर आप लोगों ने स्पाइसी खाना तो आप रेड पेपर डाल सकते हो, मैंने इसे ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना। इसके अंदर मैं डालूँगी सोया सॉस, मस्टर्ड पेस्ट, अच्छा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, एक है इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा मैंने ये जो ब्रेड क्रम बनाए हैं ये मैंने होममेड बनाए हैं, ये ब्रेड थी मेरे पास 1 दिन पुरानी थी, इसको मैंने जो समय डाल के ब्लेंड कर लिए। ये देखें, अगर ये पैटी आपके ना जुड़े आप इसके अंदर थोड़ी सी ये ब्रेड क्रम डाल दें, क्योंकि मैं इसके अंदर ये थोड़ी सी यूज़ करूँगी ब्रेड क्रम, ताकि ये अच्छी तरह से इसकी पैटी बने, बिल्कुल थोड़ी सी, क्या इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छा आप इसके पैटी बना के फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, ताकि बच्चों को जब दिल करे बना के दे दें। थोड़ा सा इसके अंदर और थोड़ा सा, बिल्कुल 2 टेबलस्पून इसमें डाल दीजिएगा बैटर फ्रेश, क्योंकि ये वाटरी होता है तो ये ज़रा इसके पैटी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब हम इसके अपने पैटी बनाएंगे, ये क्या हम थोड़ा सा ऑयल लेके हाथ पे लगा लेंगे ताकि ये चिपके ना, ठाके ये क्या मैं साइड पे अपना स्टोव चला लेती हूँ, ताकि मैं सब पैटी बनाती जाऊँ और साथ साथ इसको फ्राई करती जाऊँ। ये क्या एक साइड पे मैं पैन रख लूँगी, अब इसका मैं स्टोव ऑन करूँगी। देखिए व्यूवर्स, हमने चिकन का पैटी बना लिया, अब हम क्या करेंगे अपने बैटर को, इसको पहले मैदे में इसकी कोटिंग करेंगे अच्छी तरह से, एक्स्ट्रा इसकी उतार लें, फिर हमारा एग वॉश ये एग में डालेंगे और फिर ब्रेड क्रम्ब। देखिए इस तरह करके हम अपने सारे पैटी तैयार कर लेंगे। ये मैंने साइड पे पैन रखा हुआ है, हीट अप हो गया, अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और इसको इसके अंदर डाल देंगे फ्राई होने के लिए। अभी ना इसको उलटाइएगा, क्योंकि ये बन नरम है टूट जाएगा, ज़रा थोड़ा कलर आ जाए मीडियम, इसको हम मीडियम चूल्हे पर पकाएंगे ताकि अच्छी तरह पक जाए, क्योंकि कीमा कच्चा था चिकन का। ये देखें व्यूअर, ये अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, देखें ये अच्छा गोल्डन कलर इनको आ जाएगा दोनों साइड को, ये हमारे पैटी तैयार हो जाएंगे।
ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ हमारे पैटी अच्छी तरह से इनको कलर आ गया, तो अच्छी तरह कलर आ गया। अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे। ज़रा एक साइड हो गई अच्छी तरह से, दो ही होगी, दूसरी साइड में मैं कर लूँ। इनका कुकिंग टाइम सिर्फ 5 मिनट है दोनों साइड्स को मिला के। ये अंदर तक हमारा हो जाता है, क्योंकि चिकन है वो कीमा है चिकन का, तो ये बहुत जल्दी हो जाता है। उसके इतनी ज़्यादा देर लगन बटी। ये देखिए मूवर्स ये हमारे हो गए हैं, दोनों साइड इसकी कुक हो गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे जो कुक होते जाएंगे। ये देखिए मूवर्स ये हमारे पैटी तैयार हो गए हैं, हमने इनको निकाल दिया। अब हम एक तवा या पैन रखेंगे, अब हम अपने बर्गर के बन सकेंगे। इस पर गर्म हो रहा है जैसे गर्म होता है। ये देखिए व्यूवर्स ये हम इस तरह इनको रखते हैं, कलर दे देंगे, कलर दे देंगे। देखें ये हमारे बंज हो रहे हैं। देखिए सिर्फ ये लाइट सा सिर्फ इनको देना। ये देखें ये हमारा हो गया। अब हम इसको रखेंगे पहले मायोनीज। एक अब हम इस पर मायोनीज लगा लेंगे। फिर हम अपना एक चीज स्लाइस रखेंगे। ये अब हम अपना चीज स्लाइस रखेंगे इसके ऊपर। फिर ये पैटी, इसके ऊपर केचप, हल्का सा मायोनीज और टोमेटो। और ये थोड़ी सी बंद गोभी। और इसको ये रख देंगे। ये देखें व्यूवर, ये देखें व्यूवर, इसी तरह हम अपने सारे बना लेंगे। ये देखें व्यूवर ये हमारे चिकन पैटी बर्गर तैयार हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।